Hey, what's up, guys? We are back with a new video. This is Shivam, This is Neha, and and you're watching Beat Beat Blaster. Blaster. सो गाइज, आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए एमसी स्टैंड की वही वाली वीडियोस जो आप कह रहे थे काफी टाइम से कि इन वीडियोस पे रिएक्शन करो एमसी स्टैंड की। तो आज हमने अब हम करेंगे पर्टिकुलर अलग अलग टॉपिक पे, मैं कोशिश करूंगा। तो पहले हम देखेंगे आज एमसी स्टैंड के एटीट्यूड वाले मोमेंट्स हैं जो बिग बॉस हाउस 16 में, तो वो देखेंगे हम कि एटीट्यूड वाले। बाकी भाई सब बड़ा ही मजा आता है एमसी स्टैंड का एटीट्यूड देखने का। तो बाकी इसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं हम बाकी बातें डिस्कस। मेरा नाम तो क्या आधा शैतान आधा इंसान। मैं आखिर 12 सीजन होस्ट कर चुका हूँ, ऐसा आइटम पहली बार आया है। भाई साहब सलमान खान भी फैन है एमसी के, वो भी बोलते हैं ये यूनिक बंदा है। स्टैन, आई फील यू, आई फील यू, आई अप्रिशिएट यू, आई लव यू, दिस सो लाइक लुक, जस्ट लुक एट दैट। चिंगारी कर बे अच्छा, बदन पे कपड़े तब जिंदगी मस्त, सब समंदर पार से बोले व्हाट्स अप। अर्चना अर्चना, ओ मैन, पीछे आप दोगे वॉच। ये सारे इसको सपोर्ट कर रहे हैं सर। म्यूजिक की भी फटे याद आ रही है, म्यूजिक फटे याद आ रहा है। अरे तो यहाँ पर क्रिएट कर बना तेरा म्यूजिक, यहाँ पर जो तू बोल रहा है ना वो ऑलरेडी बाहर हिट हो चुका है। तो यहाँ पर तू करते जा जो तू कर रहा है। इतना चाहने लगे लोग कि मुझे ऐसा लगता है तू एंड तक रहेगा। मैं नहीं कर रहा भाई, ये तेरे फैन जो तेरे देख रहे हैं ना वो तेरे को वोट दे दे के अंदर ठोक रहे ले। वो बोले ये भाई आया है नहीं, क्या क्या मालूम क्या हो गया इनको, मेरे को नींद में से उठा नहीं, क्या मालूम क्या हो गया। वो मेरे इतना अच्छा कर रहे हैं ना, तू कर ही नहीं रहा है कुछ। जैसे मेरे रहा है, जैसे तुम मेरे जो लिए सवाल आया है ना कि नीचे जा रहा है, इंटरेस्टेड नहीं है मेरे लिए। आए हाथ बीतते नहीं, सिर पे डायरेक्ट। हां बैक सिर पे डाल, जग गया जग गया, जगाया पूरे आदमी को, सर देखो जगाया ना आदमी को, जान डाल ले। अरे लो अरे लो, सॉरी गाना है कि चित में पड़ गया मेरा, जिधर दिखा ना उधर मार डालेंगे लौंडे। तो अच्छा, मैं आपको कुछ नाम दूंगा, तो आपको बताना है कि इसमें से अंगार कौन है और भंगार कौन है। एमसी स्टैन, अंगार। अंगार? Yes. अंगार नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुंह खोलने की देर है बस, सबको जला के रख देंगे। एमसी स्टैन है, अर्चना है, सौंदर्या, सुम्बुल और अंकित, इतने लोग नॉमिनेटेड है। तो क्या लगता है आपके हिसाब से इस हफ्ते कौन जाएगा बाहर? मैं तो चाहती हूँ कि स्टैन ही चला जाए, क्योंकि मुझे ज्यादा झगड़ा करने वाले वैसे लोग जरा भी पसंद नहीं है। ये घर से बाहर चला, हाँ वो चला जाए और कभी वापस ना आए। अच्छा, आ चुके हैं वहाँ पे फाइनल वोटिंग ट्रेंड्स पे, और भाई नंबर एक पे राज कर रहा है एमसी स्टैन। एमसी स्टैन के फैंस को वहाँ पे बीट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये मैं बार बार बता दूँ, क्योंकि भाई इनकी जो पॉपुलैरिटी है भाईजान सलमान खान भी जानते हैं। भाई बोल रहे हो, बिग बॉस देख रहे हो कि नहीं? यस सर, आई एम अ नंबर वन फैन, सारे एपिसोड्स देखती हूं मैं एंड ऑल सीजन। बड़ा मजा आ रहा है सर, क्योंकि इस बार इस सीजन में इतने सारे अलग अलग किरदार हैं, इतने सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, इतने इंटरेस्टिंग लोग हैं। स्पेशली मेरा फेवरेट है एमसी स्टैन, ब्रो ही इज किलिंग इट। चल इतना डायमंड पहन के घूम रहा है, हेवी नहीं है? बता दे कितने का है? 1.5 CR का रहेगा सर। पता नहीं वो इतना अच्छा रैपर है, वो सब लोगों के मनुष्य चेहरे देखकर उसका गला ही बैठ गया, अंदर का रैपर का पूरा रेप हो गया है। क्या हो गया है बोलना, बताना क्या हो गया। साजिद के साथ आई थी ना, एक मिनट सुन, मैंने बिग बॉस को बोला है कि गुस्सा दिख रहा है। सुन सुन सुन, मैंने बोला है बिग बॉस से बात की है, मैंने बोला है मैं टास्क में था, मैंने नहीं देखा उसे मारा या नहीं, 5 लोगों ने देखा है, आपके कैमरास में अगर देखा है आप मुझे बताओ कि इस घर
कैबिनेट अलाउड नहीं है। अरे पहले से नहीं है, मेरे को आता है भी बोले। अरे नहीं, अरे सुन तो ले यार। बिग बॉस, वी वांट अ मीटिंग। बात ये महसूस करते हैं कि इस घर में अगर आप रहे तो आपकी जान को खतरा है। स्टैंड सर। कितना सही करा रहे, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। जब ही सर उसने अम्मी अब्बा की सर तेरे को इसका नतीजा जानना है। एक तेरे को बात बताता हूं जो कि बिग बॉस ने भी अभी तक तुम लोगों को नहीं बताई। स्टैन, यू आर नॉमिनेटेड फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स। चलेगा। बात करूंगा एमसी स्टैन से। एमसी स्टैन, सच बताओ सही जा रहे हो या गलत? सर मेरे हिसाब से सही जा रहा हूँ। आप रसे इस हफ्ते आप गए हो, क्या चांसेस लग रहे हैं आपके बचने के? सर 50% लग रहा है। 100% तू सेफ है, मैं बोल रहा हूँ तेरे को। तो गाइस ये थी वीडियो एमसी स्टैन के एटीट्यूड के कुछ क्लिप्स ऐड करके हमने आपको प्रेजेंट करे थे। तो बाकी अच्छा, जो नॉमिनेट हो जाए मतलब कि वो बाहर बैठे मतलब रहेगा बिग बॉस घर के अंदर ही है, मतलब बाहर करेगा वो सब कुछ करेगा, लेकिन सिर्फ जनता को हक होगा, जो नॉमिनेटेड उनमें से एक बंदा बाहर चला जाएगा। अच्छा, जैसे 3-4 नॉमिनेटेड होंगे तो उनको जनता निकालती है बाहर। अच्छा, फिर चारों पे वोटिंग हो गया ना, तो एमसी की भाई साहब सबसे टॉप रहेगी उन चारों में, तो क्या पूरे हाउस के बंदों में टॉप रहेगी। तो बाकी ये थी एमसी स्टैन की वीडियो क्लिप्स। तो अब हम देखेंगे धीरे धीरे और भी ज़्यादा, तो फाइट वाली देखेंगे अब इसके बाद की कोई फाइट जो इनकी क्लिप्स है सारी। बस ये कि प्यार बना के रखना, और भी कुछ हम लाते रहेंगे जो भी होएगा वीडियो। आप अपने सॉन्ग सजेस्ट करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई साहब, इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है ना सॉन्ग्स को। कोई कह रही है एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियोज़ आ सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कह रहा हूँ 2, और कभी कभार एक होती है, कभी कभार नहीं भी आती है, क्योंकि काम भी होते हैं। तो हम तो कोशिश करते ही हैं भाई साहब की अपनी तरफ से पूरा पूरा बेस्ट दें, लेकिन आप सोचो कि कितने ज़्यादा लोग देख रहे हैं और सभी की रिक्वेस्ट आ रही है, तो एक साथ इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। अभी बहुत टाइम हमारे पास, ये चैनल आपका ही है, तो धीरे धीरे सब कुछ अपलोड करेंगे, टेंशन ना लो। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में, गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।